हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे द शेफर्ड्स ट्रेजर। शेफर्ड मतलब चरवाहा, ट्रेजर मतलब खजाना। तो एक ईरान एक मुल्क है, उसके एक गांव की बात है कि एक शेफर्ड होता था जो कि बहुत गरीब था। उसके पास एक अपने डंग की कुटिया भी नहीं थी या झुकी झोपड़ी भी नहीं थी अपने एक डंग की। तो वो कभी स्कूल भी नहीं गया था, ना ही उसे पढ़ना और लिखना आता था। उस टाइम पे स्कूल भी बहुत कम होते थे। तो लेकिन वो बहुत समझदार था, वो लोगों का दुख दर्द समझता था, उनकी मदद करता था और उसके लिए वो बड़ा फेमस हो गया। तो राजा ने जब ये बात सुनी तो सोचा क्यों ना उसे मिला जाए। उसने क्या किया, अपने आप को डिस्गाइज किया, अपने आप को एज ए शेफर्ड बनाया, शेफर्ड का कपड़े पहने, उसकी तरह दिखने लगा और चला गया अपने म्यूल पे मिलने। म्यूल मतलब जो कि म्यूल को खच्चर बोलते हैं, जो घोड़े और गधे जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा। तो ये उसके गुफा में चला गया जहां पे शेफर्ड रहता था। शेफर्ड ने जब देखा कोई वहां से एक ट्रेवलर आ रहा है तो वो खड़ा हो गया उसको वेलकम करने के लिए। अब शेफर्ड ने उसको पानी दिया पीने के लिए और अपने हिस्से के खाना में से उसको दिया। जो राजा था ये बड़ा इम्प्रेस हुआ उसकी हॉस्पिटैलिटी से, हॉस्पिटैलिटी मतलब उसकी खातिरदारी से। अगले मॉर्निंग को राजा ने सोचा अब जाया जाए, कितनी देर इसके पास रुकूंगा। तो उसने इसको बोला कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतनी खातिरदारी के लिए, अब मैं जाने की इजाजत चाहता हूँ। जो शेफर्ड था इसने रिप्लाई किया राजा की आंखों में देख के, ये उसको पहचान गया था, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये राजा है। तो इसने उसको वैसे ही बोला, थैंक यू मैजेस्टी, सरकार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आए, मेरे पास रहे, मेरे पास खाना खाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो राजा जो था ये अचंभे में रह गया, एकदम मतलब हैरान हो गया कि इसने मुझे पहचान लिया। तो राजा ने सोचा इसको, इसके जैसे लोग हमें चाहिए। तो राजा ने क्या किया, उसने उसको अपने एक डिस्ट्रिक्ट का, एक जिले का गवर्नर बना दिया। तो अब शेफर्ड जो था ये और ज्यादा फेमस हो गया, बहुत लोग इसको जानने लग गए, पूरी कंट्री में लोग इसको बहुत प्यार करने लग गए और इसकी इज्जत करने लग गए, इसकी विजडम के लिए, इसके सूझबूझ के लिए, समझदारी के लिए, इसकी अच्छाई के लिए। जो बाकी गवर्नर्स थे बाकी जिले के, तो उन्होंने वो बड़े जेलस हो गए, यानी एकदम नफरत होने लग गई उनको इससे एकदम, और इसके बारे में पीठ पीछे बातें करने लगे कि ये बेईमान है, ये लोगों के पैसे जो टैक्स भरते हैं लोग उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखता है, इसलिए इसके पास एक आयरन चेस्ट होती है हमेशा। आयरन चेस्ट मतलब एक बैग टाइप का। तो और हंसते हंसते कहते थे, उसको चिढ़ाने के लिए कहते थे कि हाँ था तो ये मामूली सा शेफर्ड, ये इससे ज्यादा क्या कर सकता है, अब इसको थोड़ा सा पावर मिल गई है तो उसको मिसयूज कर रहा है, उसका फायदा उठा रहा है। इनिशियली राजा ने बातों पे ध्यान नहीं दिया, बट राजा को जब बार 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 ये बातें सुनने लग गई तो उसको बड़ा दुख हुआ। तो उसने बुलावा भेजा शेफर्ड को कि अब शेफर्ड पहुंचा अपने ऊंट पे राजा के पास, और वही आयरन चेस्ट, वो जो बैग था लोहे का बना हुआ था, वो अपने पास। राजा ने उसे गुस्से में पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों तुम ऐसा करते हो, मुझे ये सुनने में आया है कि तुम लोगों का पैसा खाते हो और जो तुम्हारे पास आयरन चेस्ट होता है उसमें तुम पैसा भरते हो, लोगों से ये करते हो लूटपाट के। तो शेफर्ड जो है उसने अपने नौकरों को बोला जो उसके साथ थे, सर्वेंट्स थे, कि इसको बैग को खोलो। और जब उन्होंने वो बैग खोला तो सब हैरान हो गए, उसमें क्या था, एक ब्लैंकेट थी, ब्लैंकेट यानी कि कंबल। तो उसने इस कंबल को बड़ा प्राउडली, बड़ा अभिमान के साथ, एकदम मतलब मजे में, एकदम स्टाइल से पकड़ा, उसको फक्र था उस पर। इसने बोला उसको, मास्टर यानी राजा को, ये मेरा सबसे पुराना खजाना है, क्या वो पुरानी कंबल, मैं इसको हमेशा अपने साथ ले चलता हूं। तो राजा परेशान था, बोला कि अच्छा ये पुरानी कंबल हमेशा साथ में, क्यों, इसका क्या मतलब है। शेफर्ड बोलता, सरकार मुझे पता था कुछ भी हो सकता है, आप कभी भी मुझे कुछ भी बोल सकते हो, या मुझे ये जो मेरा फ्रेंड है ये मेरा हमेशा साथ देता है, इसको मैं अपना फ्रेंड मानता हूं इस कंबल को, लेकिन आप कभी भी मुझे बोल सकते हो कि मैं गवर्नर नहीं रहूंगा या मेरे पास फिर वो हुकूमत नहीं रहेगी, तो जो क्लोक्स हैं वो आप मुझसे कभी भी छीन सकते हो, इसलिए मैं इसको हमेशा कैरी करता हूं, ये कंबल मेरा दोस्त है, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। जो राजा था वो बड़ा प्लीज हुआ, बड़ा खुश हुआ इसके जवाब से, और जो बाकी थे उनका सिर नीचे झुक गया, सबने बोला कि हाँ ये सच में ईमानदार आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है। उसी दिन राजा ने इसको अपना गवर्नर बना दिया बड़े जिले का। पहले इसके पास एक छोटा जिला दिया गया था, अब इसको बहुत बड़ा जिला दिया गया था। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी,
द शेफर्ड्स ट्रेजर, यानी कि शेफर्ड जब गरीब था तब भी हम्बल था, तब भी समझदार था, जब वो गवर्नर बना तब भी समझदार था, और अपनी गरीबी उसने हमेशा याद रखी। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।